हाय गाइस, आज हम लोग बात करते हैं कि स्काई डोम क्या काम करता है। स्काई डोम को पहले से अच्छे से समझते हैं क्या। अगर आप देखोगे आर्नोल्ड में जाओगे, आर्नोल्ड में आप जाओगे लाइट, लाइट के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा स्काई डोम लाइट। ठीक है, स्काई डोम जस्ट सिमिलर है नॉर्मल रियल लाइफ के स्काई के साथ। ठीक है, स्काई डोम लाइट मैंने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद अगर मैं रेंडर करता हूँ तो उस रेंडर में क्या मिलने वाला है, लाइक सिंपल वाइट कलर दिख रहा है। इसका काम क्या होता है, जैसे एक सीन है, जैसे हम लोग अगर रियल लाइफ में जाते हैं, रियल लाइफ में जैसे मैं स्काई स्काई 1400 लाइट लेके आता है ना, वैसे हम लोग यहाँ पे 1400 लाइट इस पे आते हैं ताकि वो चीज़ों को इल्यूमिनेट कर सके। लेकिन इसमें एक मेजर चीज़ें नहीं है। मेजर चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, स्विफ्ट, यहाँ पर कुछ और ओके ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे फिलहाल में, ये वाला तो ऑब्जेक्ट व्हाट वी वॉन्ट। यहाँ पे पॉली क्यूब दे रखा है, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ से मैंने प्लेन लिया, ठीक है, आर फॉर स्केल, और मैं इसे स्केल कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरे मटेरियल कुछ और आ रहा है, तो मैंने राइट क्लिक करना साइन, मैंने लैम्बर्ट कर दिया। ठीक है, फिलहाल में देखते हैं रेंडर में अभी क्या आ रहा है, सिर्फ कॉन्टेक्ट के साथ। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट शेडो है, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि बाई चांस हमें इन फ्यूचर अगर हम लोग कहीं गए टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे यहाँ पे ना स्काई चाहिए, और मैं आपको स्काई का इमेज नहीं देने वाला हूँ, एच डी इमेज नहीं देने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे एच डी इमेज कॉल कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। ठीक है, कलर है, इंटेंसिटी है, कलर पे जाते हैं, यहाँ पे चेकर बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करते हैं। आपका सबसे बड़ा और बहुत बढ़िया दोस्त है रैम्प। ठीक है, रैम्प आप ले सकते हो, रैम्प आपने लिया, इसको अगर देखोगे समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे यहाँ पे मैं स्पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने सिंपल सा ब्लू में, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू में स्काई ब्लू यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, चीज़ को मैनेज करना है, भाई कहाँ पे क्या दिख रहा है, किस तरह से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये मैंने किया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग लेते हैं येलो, येलो का सेचुरेटेड पार्ट देते हैं। ध्यान रखना, येलो नहीं, ये वाइट तो बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, येलो का सेचुरेटेड पार्ट लोगे तो आपको थोड़ा सा मिक्स होता नजर आएगा यहाँ पे। इसको आप देखो कस्टमाइज करो, देख रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसे करके हॉरिजन के साथ आप चाहो तो डील कर सकते हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, ऐसे मिक्स करके अगर आप करोगे तो आपको चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा, और आप इस टाइप से चीज़ों को बैलेंस करके दिखा सकते हो कि अगर मुझे कोई भी चीज़ बनाना है तो मैं ऐसे करके नॉर्मल सा स्काई को मैं बैलेंस कर सकता हूँ। देखो ओवरऑल देखोगे तो सब जगह बहुत बढ़िया इंपैक्ट आ रहा है। मेक श्योर ये आपका आर्नोल्ड में ही होने वाला है। ठीक है, आर्नोल्ड में ही आपको देखने को मिलेगा भाई आप कैसे क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे। हाँ, इसमें आपको लगे कि भाई बाई चांस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, सपोज जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ दिया है, देखो देखो यहाँ पे, अब ये मुझे एक हॉरिजन लाइन देना है, तो हॉरिजन लाइन के लिए आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। अगर लगे कि भाई मुझे थोड़ा सा हॉरिजन लाइन देना है, देखो दिख रहा है हॉरिजन लाइन, तो ऐसे करके बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको किया, इसको मैंने इधर उठा के कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे देखो बैलेंस देख रहा है, ये जो पार्ट में बस जा रहा है इसको क्या है, देखो सेलेक्टेड एरिया कितना है यहाँ से, मैं मुझे कितना चाहिए यहाँ पर, कितना होना चाहिए, समझ यहाँ पे। तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ हॉरिजन चाहिए, मैंने एक एंगल दिया, एंगल देने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेव फ्रेम, आप यहाँ पे आपको लगता है कि जैसे आपको चीज़ों को बनाने की जरूरत ना पड़े, देख रहे हैं यहाँ पे, तभी मैं थोड़ा सा एंगल यहाँ पे लेके मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल में अगर मैं यहाँ पे अगर इसे रेंडर करूँ तो मुझे यहाँ पे रेंडर भी क्या देखेगा, सीन बढ़िया सा। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे हॉरिजन के साथ आपका पूरा एक पार्ट नज़र भी आएगा। अब इसी को मैच करने के लिए पूरा स्काई है, तो स्काई वाला पार्ट यहाँ पर भी आपको विजुअल होगा, समझ आ रहे हैं, स्काई के साथ आपको यहाँ पे पार्ट विजुअल होगा। तो आप ऐसे करके चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, आपको स्काई बनाना है स्काई बना सकते हो, यहाँ पे चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, हॉरिजन में जैसे इसको मैंने यहाँ पे कि डार्क जो दिया ना, अब इसी वजह से मैं अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैंने ये लिया, इसका मैं डार्क ओरिजिन उठाता हूँ, डार्क कहाँ से कर सकते हैं अभी देखो यहाँ पे, आप यहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करो, अभी यहाँ पर आपको काम करना स्टार्ट कर देना है, बात समझ में आ रहा है। तो आपको तो आइडिया मिलेगा भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करें तो मैं इसको कितना लाइट और कितना बैलेंस कर सकता हूँ, तो आपको चीज़ें और भी देखने को मिलेगा। सिंपल सा एक स्काई बनाने का प्रोसेस है। दूसरा बात, आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे एच डी आई को कैसे आपको डील करना है, ठीक है, एच डी आई के साथ आप कैसे मैनेज कर सकते हो। इसी के साथ आपने क्या किया, ये आपका सेकेंडरी पार्ट है, यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे मैं डायरेक्शन लाइट लगा दूँ यहाँ पे, ये मैंने सेट कर दिया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा रोटेशन, जैसे मैं आपको डायरेक्शन लाइट इससे पहले बता चुका हूँ तो आपको आइडिया होगा कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई काम करना है तो ऐसे करके मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को दूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आपका की लाइट का भी देखेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लाइट को अगर मैं ले रहा हूँ तो लाइट मेरे पास यहाँ पे कैसा है, ठीक है, शेडो अगर मैं देता हूँ तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो रेटेस्ट शेडो है, डेप्थ मैप शेडो, जो भी आपके यहाँ पे लगे आप एक बार क्रॉस चेक करके देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी नज़र आ रही है यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे रेंडो भी आपके यहाँ पे, आप इसे मैनेज करके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है,
तो आपको ये बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल करना है। जैसे कहा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया, ये मैनेज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, लाइट मैंने लिया। अभी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास एक सपोर्टिंग लाइट आपके यहाँ पे भी होता है आर्डुइनो के, अगर देखो तो आर्डुइनो के साथ आप देखोगे तो आर्डुइनो के साथ आपके पास कभी चीज़ ऐसी देखेंगे जहाँ पर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास सपोर्टिंग लाइट में मेरे पास कुछ और भी नज़र आ रहा है क्या। तो एक बार जस्ट लाइट की इंटेंसिटी और बाकी चीज़ों को एक बार क्रॉस चेक करके देखो कि भाई यहाँ पे आपको कुछ मेजर चीज़ यहाँ पे विजिबल हो रही कि नहीं, तो यहाँ पे आपको सेटअप नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक, क्रॉस चेक करना जरूरी है क्या अगर आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो। देखो यहाँ पे ओवरऑल आपके पास एमएस नज़र आ रहा है कि आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे दिखाया कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को दिखाना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, आपको स्केल कर दिया मैंने, थोड़ा सा स्केल इतना कर देना जिससे आपको यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बैलेंस नजर आए। तो आप ऐसे करके भी चीज़ों को दिखाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे शैडो दिखाना है तो शैडो के लिए किस टाइप से आप दिखा रहे हो। इम्पैक्ट नज़र आया और देखो आपका मेन लाइट का भी इम्पैक्ट आ रहा है और इसका शैडो का भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो आप ऐसे करके इसे क्रॉस चेक करके दिखा सकते हो कि मेरा सीन ऐसा है, इन चीज़ को मैं ऐसे कुछ दिखाऊँ और चीज़ों को फुलफिल करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। तो स्काई कैसे बनाते हैं वो भी एक पार्ट हमें पता चला, शैडो के साथ कैसे डील करो वो भी आपको पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके सिवाय अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया अभी, देखो यहाँ पे अगर दिखाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अभी से मैं यूजुअली मैं यहाँ पे क्या करता था, इसके साइज़ को मैं यूजुअली मैं बढ़ा देता, अभी 300,000 करके देखते हैं, लेट्स सी कि वही शैडो गैप तो नहीं हुआ। 2023 है तो कभी कभी ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है कि वही बड़ा कर दिया तो शैडो ही गैप कर दिया, ठीक है। तो है अब चलो शैडो है। अभी इसके बाद मुझे पास ऐसा भी है कि अगर मैं थोड़ा सा एंगल और चीज़ों को मैं दिखाऊँ, जैसे मैं भी यहाँ पर मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि नहीं, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, मेरे डोम ये है, ठीक है, डोम पे गए, जैसे कंट्रोल ए कर दिया मैंने यहाँ पे, कलर पे गए, मुझे भी यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन पार्ट दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ कलर को, मैंने कहा भाई थोड़ा सा यहाँ से पिक कर, से मैंने पिक किया, मैंने ये कर दिया, ठीक है। देखते हैं मैच होता है कि नहीं होता। गेम खेलना आपको आना चाहिए कि आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आप अगर चीज़ों को बना रहे हो तो चीज़ों को आप किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं आप यहाँ पे। अभी देखो आपका बेस मैच हो गया, बेस पता ही चला कि प्लेन कहाँ तक है, तो ये हमने बहुत बढ़िया से गेम खेल लिया। अभी आप कहीं भी कोई एंगल निकाल के दे दो तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा भाई ये यहाँ से हुआ तो सही लेकिन कुछ तो मिक्स हो गया और यहाँ पे पता नहीं चल रहा। तो ये एक आपका बहुत बड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स होगा जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे अपने मॉडल को, लाइक रिप्रेजेंट करने के लिए, काम करने के लिए, जहाँ पे आप चीज़ों को बता सकोगे।